तो वहीं मंगलवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास दो मकान ढह गए। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। एक महिला की मौत हो गई और सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई, एनडीआरएफ बुलाई गई। हादसे के बाद मैदागिन और गोदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद करके गेट नंबर 4 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। घर मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर दूर है। एनडीआरएफ के जवान मलबे को लगातार हटाने में लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल जिसमें इंजर्ड हुई थी, जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको BHU ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, NDRF है, SDRF है, फायर सर्विस है, PAC है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उसे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक को यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था, उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है, जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग CMO CMS की देख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था, करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके।